पावन पर्व दीपावली का आपके बीच में आने वाला है। नवंबर का महीना पूरा धर्म से जुड़ा हुआ है, व्यापार के साथ जुड़ा हुआ है, परिवार के सुख शांति के साथ, एकता के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इस नवंबर के महीने में कुछ ग्रहों का ऐसा परिवर्तन हो रहा है, इस ग्रहों के परिवर्तन के प्रभाव से कुछ ऐसी राशियां हैं जिन राशि को सबसे ज़्यादा सफलता मिलने वाली है, या ऐसा कहें कि उनकी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। आप देखिए, इस नवंबर के महीने में सबसे पहले हम शुक्र को देख रहे हैं। यह जो 3 तारीख को आपके बीच में परिवर्तित हो रहा है, यह सीधा कन्या राशि में प्रवेश करेगा और 30 तारीख तक यहाँ पर आपके बीच में रहेगा, क्योंकि 30 नवंबर के बाद यह तुला राशि में पहुँच जाएगा। इसके साथ यहाँ पर शनि भी अपने आप वक्री से मार्गी हो रहे हैं 4 तारीख को। इसका मतलब सीधा यहाँ पर साबित होता है कि सबसे पहले किस्मत के ताले खुलेंगे मेष राशि वालों के। आपका स्वामी यहाँ पर मंगल का प्रभाव है, उच्च का सूर्य है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं ज्योतिष के हिसाब से वृश्चिक राशि में ही मंगल पहुँच रहे हैं, जो 16 तारीख को पहुँचेंगे। वृश्चिक राशि में ही आपका यहाँ पर सूर्य पहुँच रहे हैं, अपने आप ही आपके लिए बहुत शुभ संदेश मेष राशि वालों को मिलने वाला है। आपको पदोन्नति मिलने वाली है, आपके व्यापार में भी इस महीने बहुत अच्छी तरक्की होने वाली है, आपकी आय में भी वृद्धि होगी। जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वालों के भी उनके काम में तारीफ होगी, लोग उनको याद करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका इंक्रीमेंट होगा, पैसों में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ उनके परिवार में भी बहुत एक सकारात्मक लाभ प्राप्त हो सकता है। कहने का मतलब यही है, यह महीना आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, कल्याणकारी है, सुखकारी है। आपका परिवार से मिलना जुलना होगा, आपकी तीर्थ यात्राएं होंगी, आप संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप पूरे परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हो। यह बहुत सारी चीज़ें मेष राशि वालों के लिए इस साल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नवंबर के महीने में दिखने वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस महीने का पूरी पूरी आत्मीयता के साथ लाभ उठाएं। जिनकी वृषभ राशि है, वृषभ राशि के लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, स्वामी ही शुक्र है और 3 तारीख को यह शुक्र कन्या राशि में पहुँच रहे हैं, क्योंकि शुक्र से ही ऐश आराम सुख समृद्धि, जो हमारा जीवन भौतिकता के साथ चलने वाला है, यह सब कुछ हमें शुक्र के प्रभाव से मिला करता है। तो यहाँ पर शुक्र के गोचर के प्रभाव से आपको बहुत अच्छा व्यापार में धन लाभ होने वाला है, कहीं ना कहीं से आपको रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। इसके बाद जिनका विवाह कार्य नहीं हुआ है, उनके वैवाहिक कार्यों में भी गति प्राप्त हो सकती है। इसके बाद समाज से भी आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपको भौतिक सुख सुविधाएँ आपके घर में आ सकती हैं, कोई ना कोई नई चीज़ आप इस समय इस महीने आप ज़रूर खरीदेंगे, नई चीज़ तुम्हारे घर में आएगी, पूरा परिवार आनंदित और प्रसन्नचित रहेगा। लेकिन इस बार आप ध्यान रखेंगे, आपके पैसे में तो वृद्धि होगी, उसी तरीके से आपका पैसा इस महीने सबसे ज़्यादा खर्च होने वाला है और परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग थोड़ा सा अस्वस्थ हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। आप घबराए नहीं, अपने घरों में पूरे दीपावली से लेकर के एकादशी तक एक घी का दीप पूरब दिशा में अवश्य लगाएं और वहां पर बैठ कर के ध्यान लगा करके भक्तामर, जो एक अपने धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, इस काव्य का 16 नंबर का आप गाथा का पाठ करें, काव्य का पाठ करें। यही प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार दूर हो, परिवार में सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय की भावना को लेकर के आप अपने इस महीने को बहुत आत्मीयता के साथ व्यतीत करें। जिनकी कन्या राशि है, कन्या राशि के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी आपके बीच में है, क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि का स्वामी बुध होता है और यह बुध 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है। जैसे ही यह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा,
जो बुध होता है व्यापार के लिए भी कारक होता है, बुद्धि में कारक होता है, तर्क शक्ति में कारक होता है, लोगों को सेट करने में कारक होता है। तो आपका जब स्वामी ही बुध है और यह जब अच्छी जगह बैठ जाता है तो यह आपको नियम से अच्छा ही अच्छा लाभ दे सकता है, आपके लिए बेहद खुशखबरी दे सकता है। इसके बाद इस महीने आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है, चाहे परिवार के साथ घूमने जा सकते हो या फिर आप व्यापारिक कार्य के लिए आप विदेशी यात्रा कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके जीवन में कुछ न कुछ एक अच्छी खुशहाली आने वाली है। जो रुका हुआ धन था वह रुका हुआ धन आपका वापस आ सकता है। परिवार में सुख समृद्धि हो सकती है, आपके परिवार में वृद्धि हो सकती है और कोई ना कोई भौतिक सामान आप अपने घर में जरूर लेके आओगे। बही खाता तो आप जरूर लाओगे क्योंकि आपका बुध अपना काम करता है, पेन लेके जरूर आओगे। और जो आप घर में पूजन करते हो, पूजन की सामग्री आप खुद अपने हाथों से लाओगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए इस महीने बहुत अच्छा शुभ कारक समय आपके बीच में है। इसके साथ साथ आपके परिवार में भी आप एक साथ मिलकर के इस त्यौहार को मनाओगे और पूरे परिवार के साथ आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, धार्मिक कार्यक्रम में भी आप जाके शामिल हो सकते हो। ये कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा शुभ समय है। बस थोड़ा कब का प्रॉब्लम हो सकता है, सर्दी खांसी हो सकता है, जॉइंट में थोड़ा सा दर्द आपको हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जब आप दीपावली का महापर्व मनाएं तो दीपावली के महापर्व में एक आप तिल्ली के तेल का दीप जरूर जलाएं, चतुर्दशी को तो बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। एक और शुभ राशि है तुला राशि। यह तुला राशि है, यहाँ पर स्वामी शुक्र है, शुक्र का ये गोचर 3 तारीख को यहाँ पर कन्या राशि में हुआ है। तो यह शुक्र आपको फिर सुख सुविधाएं देने वाला है, आपको भूमि का भी सुख दे सकता है, आप एक नए वाहन को खरीद सकते हैं, परिवार में कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप लेके आओगे, घर का माहौल बहुत भरा दिखाई देगा, सब बड़े खुश रहेंगे, आनंदित और प्रसन्न चित्त रहेंगे। और बस सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि दीपावली पर आपको मीठा ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। रात्रि में अगर आप मीठा लेते भी हैं तो तुरंत पानी नहीं पीना है, थोड़ी देर के बाद आप पानी ग्रहण करें। जब भी मीठे में कोई भी चीज़ ग्रहण करना है उसमें आप सफ़ेद चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सकते हैं। इतना अपने को ध्यान रखना है कि रात को आपको अन्न की बनी हुई चीज़ें ग्रहण नहीं करना है, इतना आप ध्यान रखना। रात के समय आपको लिक्विड पदार्थ नहीं लेना है जिसमें मीठा ज़्यादा मिला हो। वो सिर्फ 40 साल से लेकर के आगे तक की उम्र वाले थोड़ा सा शाम के समय मीठी वस्तुओं से परहेज करें। जिनको डायबिटीज है वो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखें, क्योंकि यह जो समय आपके बीच में आ रहा है सुख सुविधाएं भी लेके आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। जीवन में शरीर सुखी है तो सब कुछ अच्छा लगता है, जब शरीर अस्वस्थ है तो सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यह 4 जो राशियां हैं आपके लिए बहुत खुश खबर इस महीने आपके बीच में आने वाली है। तो आप इस समय बहुत आत्मीयता के साथ प्रभु की भक्ति करें और जो तुला राशि वाले लोग हैं वह एक चांदी का दीपक जरूर अपने घर में लगाएं, जिससे उनके घर में सुख शांति स्वास्थ्य लाभ की वृद्धि हो सकती है और परिवार में चांदी चांदी हो सकती है। तो यह 4 राशि के लिए कुछ खुश खबरी के कुछ ऐसे चमत्कारी समाधान, किस्मत के दरवाजे खुलने के लिए उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, इसके साथ आप अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करें।